रामगढ़वा जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के जिला परिषद के भावी उम्मीदवार चंदा देवी पति राकेश कुमार का नामांकन समारोह का काफिला रामगढ़वा बाजार घूमकर रक्सौल अनुमंडल कार्यालय में उनका काफिला पहुंचा, जहां नामांकन के बाद जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के भावी उम्मीदवार चंदा देवी पति राकेश कुमार से पंचायत चुनाव पर हुई खास बातचीत। L24 न्यूज में आप सभी रामगढ़वा प्रखंड वासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 की महिला उम्मीदवार, शिक्षित उम्मीदवार, युवा समाज सेवी उम्मीदवार चंदा देवी जी, उनके पति राकेश कुमार जी का काफिला अभी रामगढ़वा बाजार से निकल चुका है जो रक्सौल अनुमंडल तक जाएगा नामांकन के लिए, और हम लोग अभी मैरिज हॉल में उपस्थित हैं। आइए उनसे पंचायत चुनाव को लेकर के चर्चा करते हैं, कुछ सवाल करते हैं कि आखिर ये लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। सर, आखिर आप ये चुनाव मतलब क्यों लड़ने जा रहे हैं आप लोग? मैं चुनाव भ्रष्टाचार और घुसखोरी को जो जनता तक नहीं पहुंच रहा है उस जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और करूंगा। मतलब इनका है कहना यह है कि सर का कि अगर हम लोग चुनाव जीतते हैं तो हम लोग घुसखोरी को ख़त्म करेंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और वैसी सुविधा जो सरकारी सुविधा है जो अभी तक जनता जानती भी नहीं है कि हमें सरकार की तरफ से, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की तरफ से कौन कौन सुविधाएं मिलती हैं वो जानती भी नहीं, वो सब धरातल पे उतारने के लिए कोशिश करी। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 की महिला उम्मीदवार चंदा देवी जी, पति राकेश राज जी का अभी काफिला निकल चुका है रामगढ़वा बाजार से जो रक्सौल अनुमंडल कार्यालय तक जाएगी, और ये आज इनका नामांकन समारोह है। आज इनसे हम लोग चर्चा करने वाले हैं पंचायत चुनाव को लेकर, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं कैमरामैन कुटू सेन जी को बोलूंगा कि वो दिखाए। जिला परिषद